नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा टक्कर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है और आजकल हम देखते हैं कि 90% की लेडीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है और वो इससे परेशान रहती है। वो है परेशान प्रेगनेंसी ना होने की वजह से, उनको कंसीव नहीं कर पाती हैं वो कुछ लेडीज़। और आज मैं वहाँ बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। मेरे पास कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जिनको लेने से आपकी 70% हद तक बीमारी ठीक हो सकती है। जैसे कि कहते हैं कि यूट्रस के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अंदरूनी तरीके से वो ठीक करती है। सब कहते हैं कि होम्योपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये 70% अगर काम कर जाए तो ये एक वरदान से कम नहीं होती हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि भी आपको ये मेडिसिन काम करेंगी, लेकिन जो आपकी अंदरूनी जो बीमारी है, जो यूट्रस में जो प्रॉब्लम है, ये उसको ठीक करेगी। और हो भी सकता है कि 70% आपके लिए वरदान साबित हो जाए और ये मेडिसिन आपको असर कर जाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि प्रेगनेंसी ना होने के कारण क्या होते हैं। जो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं यूट्रस की, वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो एक काम करती है तो एक वर्क नहीं करती, तो उसमें भी परेशानी होती है। या किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी गांठें सी हो जाती हैं, वो एक सिस्ट होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर आप एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पूरा का पूरा यूट्रस आपका बाहर निकाल देंगे। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आपकी ख़त्म कर देती है, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होता। और दोस्तों, क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो एग की फर्टिलिटी है वो नहीं हो पाती, बार बार उनको जो है पीरियड्स हो जाते हैं, हर मंथ हो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उनको महीने में एक से दो या बार आ जाती है। तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं और वो कई सालों से परेशान होती हैं, कितना वो कर लेती हैं लेकिन उनको इलाज अच्छे से मिल नहीं पाता। लेकिन अगर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करेंगी तो उनको नुकसान नहीं होगा, जो उनके अंदर जो ये प्रॉब्लम चल रही है तो क्या पता वो उससे ठीक हो जाए, उससे वो कंसीव कर पाए। यही है आज का हमारी, मैं आपको यही इसी चीज़ की जानकारी आज देना चाहती हूँ। तो जैसे अगर जो फीमेल्स जो 35 से एज उनकी कम है, जैसे 35 से एज कम है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन उनको हेल्प करती हैं, उनको ये जो प्रॉब्लम है उनको उस यूट्रस में जो आपकी प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर ये आप मिनिमम 1-6 मंथ से 1 ईयर तक अगर आप ले लेते हैं तो आपकी जितनी भी यूट्रस की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक जो है बहुत ही ज़्यादा हद तक ठीक हो सकती है। ये तो 1% चांस लेने वाली बात होती है दोस्तों, लेकिन हम इसको गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि भी नहीं मैं गारंटी देती हूँ। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, मैं गारंटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही। हाँ, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपके जो यूट्रस की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। मैं तो आपको यही कह सकती हूँ कि अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। यूट्रस में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे वर्क करती है और उसके बाद जो है ये आपको ये दिक्कत कभी नहीं होती। जैसे आने वाले टाइम में यूट्रस की प्रॉब्लम से आप छुट्टी पा सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और आप धीरे धीरे कंसीव कर पाएंगे। तो ये मेडिसिन 1% का चांस लेने वाली बात होती है कि भाई हाँ कंसीव हो जाए। उसके बाद अगर आप नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने तो आजकल इलाज चल रहे हैं, IVF की हेल्प ले सकते हैं आप, किसी भी सेंटर पे जाइए वहाँ से आप पता कर लीजिए। ये तो 1% 200 चांस लेने की वाली बात है कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर असर कर गई तो ये वरदान साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिन्हें लेने से आपकी जो यूट्रस की जो संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो ठीक हो सके, उसके बाद आपको कंसीव करने में हेल्प हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है हमारी CPR 30।
दोस्तों अब इसके सिम्टम्स सुनिए, क्योंकि दोस्तों ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ये सिम्टम्स के ऊपर वर्क करती है, जैसे कि आपके सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट होगा। तो अब देखिए कि CPA 30 के जो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। CPA 30 में जैसे पीरियड जो इनरेगुलर, जैसे जिनको इनरेगुलर होते हैं मतलब कि एक महीने के अंदर उनको 2 बार हो जाते हैं, इस तरह की दिक्कत रहती है, और वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन उनको हरदम बना रहता है, और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं तो वो नहीं हो पाता, और जो आपकी यूट्रस का जो साइज़ जो है बल्कि हो जाता है, जैसे कहते हैं कि बढ़ा हुआ हो जाता है साइज़, ये उस प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। तो हमारी सेकेंड मेडिसिन आती है Natremute 30। अब इसके सिम्टम्स सुनिए दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें जो पीरियड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और इसमें पीसेस निकलते हैं, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, और ये यूट्रस की सारी प्रॉब्लम्स को ये मेडिसिन ठीक करती है, और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए ये सही अच्छी मेडिसिन है, मतलब आप प्रेगनेंसी के लिए यूज़फुल मेडिसिन है। उसके बाद थर्ड मेडिसिन आती है दोस्तों हमारे पास Thalapsy Q। ये भी यूट्रस के लिए अच्छी मेडिसिन है, ये भी यूट्रस की जितनी भी प्रॉब्लम होती है सबको ठीक करती है, और ये अच्छी मेडिसिन है, ये यूट्रस के जो साइज से बढ़ जाता है उसको भी सही करती है। उसके बाद हमारे अगली मेडिसिन आती है Aramute 30। ये भी यूट्रस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे ट्यूब्स होती हैं यूट्रस की, वो जैसे उनमें ब्लॉकेज आ जाती है तो वो उस ब्लॉकेज को दूर करती है, जैसे वो बढ़ जाती हैं या डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज आता है और जगह जगह पे जैसे क्लॉट से बन जाते हैं उसको भी ठीक करती है। PCOD की प्रॉब्लम को भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, PCOD के लिए भी ये यूट्रस के सारे भी जितने भी प्रॉब्लम होती है ये सबको ठीक करती है, और प्रेगनेंसी के लिए अच्छी मेडिसिन है। हमारी लास्ट एंड द फाइनल मेडिसिन है Elatrice Firazona Q। ये उनके लिए है, उन लेडीज़ के लिए है जिन लेडीज़ का जैसे कि हीमोग्लोबिन कम होता है, कम हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आ जाती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब देखिए दोस्तों ये जो मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, अब इस कॉम्बिनेशन को हमने लेना कैसे, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमने एक खाली फाइल लेनी है, ये देखिए इस तरह की हम खाली एक फाइल लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, 30 ml तो हमने CPA 30 मिक्स करना है, और 30 ml हम Natremute मिक्स करेंगे, 30 ml हमने Aramute मिक्स करना है। इन तीनों को मिक्स कर लेंगे और ऐसे अच्छे से हिला लेंगे, जब भी आप यूज़ करेंगे ऐसे आपने हिला लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको दिन में 2 बार लेना है, 2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकानी है, और उसके बाद हमारे पास आती है Thalapsy Q। और ये भी ये Thalapsy Q की मेडिसिन है, मदर टिंचर है, तो हमें आधा कप पानी लेना है, उसमें इस दवाई की 10 से 15 बूंद डालनी है, और इसको धीरे धीरे सिप करके हमने पीना है जैसे हम चाय पी रहे हैं। और याद रखना दोस्तों आपने ये मेडिसिन चाय वाले कप में यूज़ करनी, किसी स्टील के ग्लास में यूज़ नहीं करनी। उसके बाद हमारी जो लास्ट मेडिसिन थी Elatrice Firazona Q, ये भी आपने आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल के धीरे धीरे सिप करके पीनी है जैसे कि आप चाय पी रहे हैं। तो इन दोनों मेडिसिन को भी आपने दिन में 2 बार लेना है, जैसे कि आपने Thalapsy Q भी दिन में 2 बार ली, और Elatrice Firazona भी आपने दिन में 2 बार लेना है। उसके साथ हम दोस्तों ये वाली मेडिसिन यूज़ करेंगे, इसका नाम है Ashoka DP। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है लेडीज़ के लिए, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसकी जो लिखा हुआ है, इसमें डिटेल जो लिखी हुई है, जैसे कि जिन लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, मेंसेस ठीक से नहीं आती है, पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं, या जैसे हम कहते हैं कि यूट्रस के अंदर सूजन आ जाती है, और जिनको जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, जैसे हम कहते हैं उसको बांझपन हो जाता है, पेड़ों में दर्द होती है, चक्कर आते हैं, चेहरे पे झाइयाँ होती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो एकदम पीला पीला हो जाता है, और थकावट होती है, हमें हर टाइम जी हमारा इतना घबराता है, हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो इसको अगर हम 3 महीने अगर हम लेंगे तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगी।
और हमें भूख भी खुलकर लगेगी और हमारा चेहरा जो दाग धब्बे हो जाते हैं वो भी बिल्कुल साफ हो जाता है। और इसमें एक लाइन और भी दे रखी है कि जिन लेडीज़ की एज 40 से अगर कम है, जो 40 दिन की एज कम होती है, अगर वो 4 महीने लगातार ये दवाई का सेवन करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ इसका भी आपने यूज़ करना है, तो हो भी सकता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये बहुत हेल्पफुल है ये टॉनिक। तो इसको भी आपने कैसे लेना है, दिन में 2 बार लेंगे, दो दो चम्मच आपने लेना है खाना खाने के बाद। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और जब भी आप लेंगे इसको हिला के लेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए इस मेडिसिन को, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अशोका डीपी जो कि गोल्ड वाटर की है। और ये आप पता करेंगे दोस्तों तो ये इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि भी ये मेडिसिन आपको मिले तो जिनको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ये पहुंचा सकती हूँ, आप तो मैं आपको ये पहुंचा दूंगी ये मेडिसिन। तो देख लीजिए दोस्तों अशोका डीपी गोल्ड वाटर की बहुत अच्छी मेडिसिन है ये और इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपनी क्लिनिक पे जो ऐसी कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको इस तरह की दिक्कत होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ हमने इसका भी यूज़ किया है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब लगा लीजिए 90% इसका रिजल्ट है और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज आपको मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लेडीज़ तक पहुँचाइए जो इस प्रॉब्लम से सरवाइव कर रही हैं, जो इस प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है इन मेडिसिन को लेने के बाद उनकी प्रॉब्लम कुछ सही हो जाए, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन में आप जाते हैं उनकी आदत भी पड़ जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन ये तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपकी जो यूट्रस की प्रॉब्लम है उन सबको ठीक करेगी, एक तरह से एक वरदान साबित हो जाएगी कि भी आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। बाकी उसके बाद कंसीव होने में बहुत हेल्पफुल होती हैं ये मेडिसिन, गारंटी के साथ नहीं कह सकती मैं, लेकिन हम 1% चांस तो ले सकते हैं ना दोस्तों, क्या पता है ये मेडिसिन असर कर जाए। और ना भी करे तो दोस्तों वैसे ही एलोपैथिक में कितनी सारी टेक्निक्स हैं, तो फिर उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तो नमस्कार दोस्तों।